राजनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर एक बार फिर संदेह के घेरे में लगाए जा रहे हैं लापरवाही के आरोप। मामला राजनगर थाना अंतर्गत लालपुर ग्राम से आए प्रसूता रजनी गुप्ता के द्वारा लगाए गए नर्सिंग स्टॉप पर लापरवाही के आरोप। प्रसूता रजनी गुप्ता के द्वारा बताया गया कि 23 अक्टूबर 2020 को आशा कार्यकर्ता सुनीता रजक के साथ रात्रि 9 बजे प्रसव पीड़ा के चलते राजनगर स्वास्थ्य केंद्र 108 एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया, जहां पर नर्सों द्वारा प्रसूता को दर्द के इंजेक्शन टेबलेट दी गई। इसके बाद रात्रि 11 बजे करीब बच्चे का सर बाहर आ जाने के बाद भी ड्यूटी पर तैनात नर्सों के द्वारा कहा गया कि आपकी डिलीवरी सुबह 3 बजे होगी, अभी हमें सोने जाना है। और नर्स यशोदा साथी अर्चना गुप्ता दोनों प्रसूता को अकेला छोड़कर चली गई। इसके बाद रात्रि 1 बजे के करीब प्रसूता द्वारा शौचालय के सामने बच्चे को जन्म दिया। परिजनों के द्वारा शोर शराबा करने पर ड्यूटी पर तैनात दोनों नर्सों द्वारा आशा कार्यकर्ता को बोला गया कि इनको घर ले जाओ। आशा कार्यकर्ता के द्वारा रात्रि 2 बजे प्रसूता को बिना डिस्चार्ज किए ही उसके घर भेज दिया गया। परिजनों के पूछने पर नर्सों द्वारा बताया गया कि बच्चा कम समय का और कम वजन कम होने के कारण ऐसा हुआ, लेकिन मृत बच्चे का वजन 3 किलो के करीब था। इसी प्रकार की लापरवाही विगत 1 माह पूर्व ग्राम गोरा से आए प्रसूता के साथ देखने को मिली थी, जिसके द्वारा खुले में ही बच्चे को जन्म दिया गया था। नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही राजनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आए दिन सामने आ रही है, फिर भी प्रशासन इस पर गौर नहीं कर रहा, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि नर्सिंग स्टाफ पर क्या कार्रवाई होती है या फिर इसी प्रकार की लापरवाही आगे भी देखने को मिलती रहेगी। का नाम तुम्हें? रानी गुप्ता। कितने टाइम अस्पताल पहुंची थी? 9 बजे। किसके साथ गई थी? आशा कार्यकर्ता के साथ। क्या हुआ अस्पताल में? अस्पताल में जाके उन्हें वो दर्द की गोली दी, एक बार जांच करी और थोड़ी देर दर्द होता रहा, फिर उसके बाद फिर से उन्हें दर्द की गोली दी हमें, फिर दर्द का इंजेक्शन डाल के तो वो थोड़ी 2 सिलिंग तक दवाई चढ़ाई बोतल। बच्चा को वो कह रही कि मूड निकल आओ, तो 11 बजे करीब, और फिर उन्हें छोड़ दो, कहती कि अभी नहीं होने, तुम्हारी 3 बजे डिलीवरी हुई है। और जाके भी 12 बजे करीब सो गई, और 1:30 बजे 12:30 बजे करीब बच्चा 1:30 बजे 1 बजे करीब हो, पौने 1 बजे तक वो बाथरूम की मैदान में बच्चा होगा। ड्यूटी पर कौन कौन नर्स थे? अर्चना गुप्ता, जसोदा ने हमारी जांच भी करी, वो नहीं पहले बच्चे हो रही थी, अर्चना बाद में आई थी, अर्चना ने जांच आज नहीं करी, कुछ नहीं कह रही थी, हमें नींद आ रही, तुम अपने दर्द लेते रहो, 3 बजे यहाँ हम जब बच्चा हुआ है तुम्हारा। फिर उसके बाद जब डिलीवरी हुई और नर्स वगैरह क्या बोलकर आपको छुट्टी दी? कुछ नहीं कहा उन्होंने, इन्होंने लोग से कहा कि बच्चा ले जाओ, यहाँ बदबू देने लगेगा। कितने टाइम आपको अस्पताल से बाहर किया था? 2 बजे रात में। 2 बजे रात में।